नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर अनुनाद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, सेकंड ग्रेड का जीके का जो ग्रुप ए का पेपर है वो आज 28 अक्टूबर 2018 को संपन्न हो गया है। तो चलिए उस पेपर के आंसर की डिस्कस करते हैं। मैं जीके का जो पोर्शन है उसी के आंसर की डिस्कस करूँगा जो 80 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है। सेकंड, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो गुड़ला नृत्य की विशेषता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण जो कि 1567 से 1568 ईस्वी के अंदर हुआ था, उसमें कौन से लोक देवता जो है वो युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो इसका जो आंसर है वो है वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देसी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो उदयपुर वाला जो ऑप्शन है थर्ड, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संघ सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिण राजस्थान जो है, दक्षिणतम प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है जोंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ अवस्थित है? तो ये चित्तौड़ में अवस्थित है, यानी चित्तौड़गढ़, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसमें लिंगानुपात पूछा है भारत का 0 से 6, तो ये 919 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है 33, इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ए के साथ सेकंड और ये वाला ऑप्शन, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक बार और मैं बताऊं आपको, हमें ये किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस से नहीं है, 80 के 80 क्वेश्चन पूरे हैं, लेकिन जैसे शुरू के 6 क्वेश्चन के बाद कोई 60 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आप वो मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर रैंडमनेस है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th जो है, इसके अंदर इन्होंने क्रम पूछा है इन त्यौहारों का, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मेवाड़ वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका चारुमती, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अकबर ने किसको सबसे ज़्यादा मनसब दिया था? तो इसका आंसर है आपका राजा मान सिंह, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका 599 विलेजेस। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल ये निशानाबाजी से संबंधित हैं, कौन से वर्ष में ऋणात्मक रही है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है मेरे हिसाब से बोनस होगा। देखिए, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ये सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चेक करके ही मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से जो आंसर किया है वो 5 से 6 घंटे लेट आ रही है, ठीक है। लेकिन जो आंसर है वो एग्जैक्ट आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करने के बाद एक्यूरेट आंसर आपको बताए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे हिसाब से बोनस होना चाहिए, आपको इस पर क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्शन भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये इंडिया की पूछ रहे हैं या राजस्थान की पूछ रहे हैं या किसी और अन्य प्रदेश की पूछ रहे हैं, क्योंकि भारत और अगर राजस्थान में देखें तो दोनों के अंदर वेरिएशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार के लिए बोनस मान लीजिए, ठीक है, देखते हैं RPSC इस पर क्या अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि निम्नलिखित में से कौन से सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो है वो अधिक रहता है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से? तो वो है विदेशों से आय प्राप्त, जो रेमिटेंस प्राप्त होता है, विदेशी भारतीय जो रहते हैं विदेशों के अंदर, जो भारत के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, जो पैसा भेजते हैं, उसके कारण ये होता है, ठीक है। तेंदुलकर विधि के अंतर्गत क्या है कि इन्होंने पूछा है कि किसने सबसे ज़्यादा जो है वो गरीबी कम करी? तो देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कम करी थी ना गरीबी, वो उड़ीसा और बिहार ने करी थी, और इन दोनों में भी उड़ीसा ने ज़्यादा करी थी। उड़ीसा ने लगभग 24 दशमलव कुछ अंक थे इतने प्रतिशत से कम की, और बिहार ने जो है वो 20 दशमलव के प्रतिशत के करीब कुछ कम करी थी, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर राष्ट्रीय आय न्यूनतम रही थी। बादशाह का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? ब्यावर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में इन्होंने कहा था? तो फोर्थ ऑप्शन, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी। इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है 17th का आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सिर जो है वो मेमंद आभूषण सिर पे पहना जाता है, ये इससे लिंक होगा। गले के अंदर हांसली पहनी जाती है, कमर के अंदर कणकती और पैर के अंदर रिमझोल, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो छगनराज जो चौपासनी वाला था वो नहीं थे। रूठी रानी का नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो उमादी जो रानी थी वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम थी, जो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। और भारत में इस बार ये आयोजन हुआ था वैश्विक स्तर का।
ठीक है। होकाइडो और होन्सू को कौन विभाजित करता है? तो सुकारू जो जलडमरू है वो इसको क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, हर्शियनियन काल के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणी का जन्म हुआ था? तो यूराल पर्वत श्रेणी का जन्म हुआ था। इनमें से पूछा कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से हैं? तो ये तीन है, मुकुंदरा, केवलादेव, रणथंभौर। रणथंभौर सवाई माधोपुर, ये चार जिलों के अंदर है और ये केवलादेव भरतपुर में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी थी? तो 45.80% थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नदी का जो हसदो है वो इसकी सहायक नदी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये आपको पता ही है, 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके साथ व्यापार घाटा सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप जो है उसके साथ सर्वाधिक है। सोम किसकी सहायक नदी है? सोम माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सोम माही जाखम और ये बणेश्वर पे जो मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, राजस्थान में किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ठीक है, तो प्रतापगढ़ की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती, बाकी तीन की मिलती है, यानी सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट आपका एक तरफ मुख्यमंत्री दिए हैं और उनके संदर्भ में राज्यपाल दिए हैं कि उनके कार्यकाल में कौन राज्यपाल थे। ठीक है, 1935 का जो सरकार का अधिनियम था उसने किसको पृथक निर्वाचन स्थान नहीं दिया था? तो एंग्लो इंडियंस को नहीं दिया था क्योंकि आज़ादी के बाद दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कि इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है? ये तीनों पुस्तक अम्बेडकर साहब ने लिखी हैं, वी दी पीपुल जो है वो पुस्तक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने नहीं लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो इसका जो ये तीन ऑप्शन दिए हैं तीनों के तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 21 मार्च 1994। क्या आंसर होगा? 21 मार्च 1994, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिकतम लाभ कितना है? बीमा राशि कितनी है? 3 लाख। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो पौंडीचेरी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जो जो मतदाता सूची में जिनका नाम होता है वो सब होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। भारत के संविधान के महान्यायवादी का पद किससे लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1, 2, 3 समझौता है, हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो ये भारत और अमेरिका का असैनिक परमाणु समझौता है। ठीक है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि इतनी ऊंचाई पर देखने पर पगड़ी भी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग था ये। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। खानवा के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हाकिम खां सूर शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल थे। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें से सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है वो सिलेक्ट करना है, जो पुरातत्विक स्थल हैं। ठीक है, कालीबंगा चूरू जिला दिया है जबकि ये हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना ने किस वंश शासकों ने भाग लिया था? तो चौहान शासकों ने भाग लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये बुक्स दिए हैं और इनके सामने इनके राइटर दिए हैं, तो आपको इनको क्या करना था? टैली करना था। तो जो टैली करके आंसर निकालना था, तो फर्स्ट इस ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीटी से संबंधित है। देखिए, एनपीटी का अगर हमने जो बुक्स वगैरह टटोली हैं तो उसमें ये आया है कि 1 जुलाई 1968 को इस ट्रीटी के लिए साइन हुआ था। ठीक है, तो 1968 का इसमें एक ही ऑप्शन है, चूंकि इसमें अब जुलाई नहीं है तो अपन ये 1968 का ये ऑप्शन मान सकते हैं। हालांकि ऑप्शन ये भी गलत है क्योंकि इसमें जो एक्चुअल आंसर है वो इन चारों ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जो एक्चुअल आंसर है उसके सबसे नज़दीक कौन सा है? जून 1968, तो ये मान सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी क्या होगा, बोनस जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो संसदीय कार्य मंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 2013 की जो वर्तमान राज्य सरकार चल रही है उसके अंतर्गत जो राज्य के जो मुख्य सचिव है उनका क्रम फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, राजीव महर्षि सर, फिर सीएस राजन सर और फिर अशोक जैन सर। ठीक है, और राजीव महर्षि जी अभी क्या है, भारत के कंट्रोलर ऑडिटर और जनरल हैं। ठीक है, CAG हैं। व्यक्तिगत रूप से जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, क्योंकि ये मेरे को एक या दो बुक में मिला है, लेकिन कहीं पर इनको नेहरू के बारे में भी बताया, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। बाकी आपको अगर कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका कोई आंसर चेंज है, तो ताकि वो एक रिवाइज वीडियो के थ्रू उस आंसर को एग्जैक्ट वेरीफाई कर दिया जाए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत कुल कार्यकाल कितना रहा है? 14 वर्ष का रहा है। अभी तक 7 बार भारत इसका
जो है वो सदस्य रह चुका है, ठीक है, लास्ट जो है 2011-12 में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सरकारी आयोग के मेंबर्स का नाम, तो जो इनमें ऑप्शन है उनके अंदर कौन है, बी शिवारमन इनके मेंबर थे। ई सचिवालय क्या है, एक सॉफ्टवेयर है सेक्रेटरीट में जो मैनेजमेंट के लिए काम में आ रहा है, ठीक है। और हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? तो अभी ये जो मेरे ख्याल से इसका आंसर रजनी कोठारी है, लेकिन एक बार आप इसको होल्ड पे रखिएगा क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में अभी एश्योर नहीं है। जैसे ही वो हो जाते हैं मैं आपको रिवाइज वीडियो के थ्रू इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और रिवाइज वीडियो आपको मिले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको रिवाइज वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। तो चूँकि गलत आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जो आंसर है वही बताऊंगा, नहीं अगर कोई आंसर का नहीं मिल रहा है तो आप एक या दो दिन उसका वेट कीजिए, जैसे ही हमारे एक्सपर्ट उसको रेक्टिफाई करवाते हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू वो इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराना, तो ये मुझे जो सर्च करने पर मिला है वो उदयपुर मिला है, ठीक है। कहीं कहीं राजसमंद भी लिखा है, तो आप इसमें मेरे ख्याल से उदयपुर ही है, लेकिन सूजस के अंदर ये शायद अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आ जाता है तो मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा आपको, ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर क्या करते हैं, ये जेवेलियन थ्रो पैरालंपिक पैरा एथलीट हैं, ये जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं, महावीर सैनी इनके कोच हैं, ठीक है। और प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खुला है, सीकर में खुला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, तो रघुकुल तिलक जो हैं वो राज्य RPSC के क्या है, मेंबर रहे हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसके बारे में क्या कोई जांच हो सकती है, नहीं, ये सलाह जांच के दायरे से बाहर होती है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। 51 क्वेश्चन है कि कौन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे, राज्यसभा में सदन के नेता, ठीक है। तो राज्यसभा में सदन के नेता का वही रहता है जो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये तीन जो PM हैं ये राज्यसभा से चुन के आए हैं, VP सिंह लोकसभा से थे, ठीक है। तो ये लोकसभा से थे तो ये लोकसभा के नेता बन सकते हैं, राज्यसभा के नहीं, इसलिए इनको क्या बोला गया, VP सिंह जो है वो राज्यसभा के नेता नहीं रहे, ठीक है। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, ये नेहरू जी का एक कथन है, आपको ये बताना है कि इस कथन में नेहरू जी कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया है वो इसका आंसर होगा सैनिक गठबंधन, ठीक है। नेक्स्ट